पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में और सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। तो आपको पता है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बहुत ही अंडर डेवलप था, यानी इनिशियल स्टेज पे अभी प्रिवेल कर रहा था, बहुत ही लिमिटेड वहां पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी और बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स थे। हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं जो हाथ से बनी हुई चीजें होती है ना, तो उसको हैंडीक्राफ्ट्स बोलते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ज्यादा थे इंडियन इकोनॉमी में, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई, कुछ ऐसे चेंजेस करे जिससे सारे के सारे हैंडीक्राफ्ट्स थे वो डिके हो गए, यानी उनकी डिमांड खत्म कर दी उन्होंने इकोनॉमी में से, वो सब खत्म ही होते चले गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वही पर्टिकुलर चीज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो टॉपिक है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। तो सबसे पहले आपका टॉपिक आता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ स्टेट, यानी ब्रिटिशर्स ने ना एक टैरिफ पॉलिसी बनाई जिससे क्या हुआ, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स थे वो कम हो गए। अभी टैरिफ पॉलिसी थी क्या, टैरिफ पॉलिसी मतलब कि एक पॉलिसी रिलेटेड विद टैक्स। इन्होंने ने क्या किया, जो यहां से रॉ मटेरियल बाहर जा रहा था उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी, यानी उस पर टैक्स हटा दिया कि जो भी बाहर सामान एक्सपोर्ट हो रहा था रॉ मटेरियल उस पर टैक्स हटा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, फार्मर के लिए ये इजी हो गया कि यहां से उन्होंने बाहर को सामान भेजना है रॉ मटेरियल तो वो इजिली भेज सकते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट, इंडिगो, ये सारा रॉ मटेरियल यहां से बाहर जा रहा था। ठीक है, फिर वहां से इससे ही फिनिश गुड्स बन के आ रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में भी कि वहां पे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, वहां इंडस्ट्री बन चुकी थी ब्रिटेन में। तो ये क्या करते हैं, यहां से रॉ मटेरियल अपनी कंट्री लेके जाते, फिर उससे सामान बना के वापस इंडिया में भेजते। तो वहां से जो सामान वापस आ रहा था फिनिश गुड्स बन के, उस पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी इन्होंने हटा दी, मतलब कि जो सामान फॉरेन से इंडिया इम्पोर्ट कर रहा था उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा था। अब इससे हुआ क्या कि जो चीज फॉरेन में 100 रुपीज की आ रही है तो वो इंडियंस को 100 रुपीज की ही मिल रही है, उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा उन्हें। तो प्रोडक्ट जो है अगर टैक्स लगता तो महंगे हो जाते, तो लोग खरीदते नहीं, तो इन्होंने वो टैक्स ही हटा दिया ताकि जो फॉरेन गुड्स है वो सस्ते हो जाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली लोगों ने उनको खरीदना स्टार्ट कर दिया। मशीन मेड गुड्स थे वो तो अच्छी क्वालिटी भी थी, प्राइस भी कम था, तो लोगों ने जो फॉरेन से फिनिश गुड्स आ रहे थे उसे खरीदना स्टार्ट किया, अपने हैंडीक्राफ्ट्स को खरीदना छोड़ दिया। ठीक है, और एट द सेम टाइम इन्होंने एक और ट्रिक लगाई कि जिससे हैंडीक्राफ्ट्स बिल्कुल खत्म ही हो गए, इन्होंने ना बहुत ज्यादा टैक्स ड्यूटी लगा दी जो भी यहां से बाहर हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे थे। यानी अगर इन शॉर्ट में कहूं, इन्होंने अपनी कंट्री का सामान तो इंडिया में बेच दिया क्योंकि टैक्स हटा दिया इंडिया में, और हमारा जो हैंडीक्राफ्ट्स थे वो अपनी कंट्री में नहीं बिकने दिए क्योंकि उस पर इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी कि जो भी यहां से सामान जा रहा था वो बहुत ज्यादा टैक्स पे कर रहे थे उस पर, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट्स इतने महंगे हो गए फॉरेन मार्केट में कि फॉरेन के लोगों ने उसे खरीदना ही छोड़ दिया। नहीं तो आपको पता होगा कि फॉरनर्स जो होते हैं उनको इंडियन ट्रेडिशनल चीजें बहुत पसंद होती है, वो बहुत हैंडीक्राफ्ट्स खरीदते थे, बट इसी रीजन की वजह से कि वो महंगे हो गए तो लोगों ने उसको कम खरीदना स्टार्ट कर दिया। कैसे महंगे हुए, क्योंकि इन्होंने यहां पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी कि जो भी यहां से हैंडीक्राफ्ट्स बाहर जा रहा है उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी है, रॉ मटेरियल पे कोई ड्यूटी नहीं है और इंपोर्ट पे भी कोई ड्यूटी नहीं है। तो ये पूरी एक पर्टिकुलर टैरिफ पॉलिसी थी। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। अब पहले क्या होता था कि जितने भी हमारे किंग होते थे, राजास, प्रिंसेस, नवाब्स, ये सब ना अपने महलों में रहते थे, तो इनके जो महल होते थे उसमें हैंडीक्राफ्ट से बहुत ज्यादा चीज रखी होती थी, हैंडीक्राफ्ट्स के मटके रखे हुए हैं या कोई और डेकोरेशन का सामान है। अब होता क्या था, जब भी कोई ब्रिटिश से इनसे मिलने आता था किंग वगैरह से, तो वो इनके महलों में जाता था, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते थे हैंडीक्राफ्ट्स को देख के, और वापस आते टाइम ही अपने साथ बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट्स खरीद लाते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ऐसे तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड और बढ़ जाएगी उल्टा फॉरेन में, तो इन्होंने क्या किया, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट, यानी कि इन्होंने जहां पे प्रिंस और वो मिलते थे फॉरेन के लोग उस जगह को ही चेंज कर दिया। अब वो अपने महलों में ना मिलके कहीं कोर्ट्स बना दिए इन्होंने जहां पे वो मिलने लगे। अब कोर्ट्स में मिलने लगे तो वहां पे कोई ऐसा डेकोरेटिव सामान नहीं था, तो वो रूल होता है ना कि जो दिखेगा वही बिकेगा, अगर वो दिखेगी ही नहीं चीज उन्हें तो उनको उसको खरीदने का मन में नहीं करेगा। तो इस वजह से भी इन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड को कम कर दिया फॉरेन मार्केट में। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। अब हो क्या रहा था, इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे तो वो तो हाथ से बने हुए थे, बट जो फॉरेन से फिनिश गुड्स बन के आ रहे थे वो कैसे बने थे, मशीन से। तो उन्हें बहुत ही टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा हैंडमेड गुड्स को मशीन मेड गुड्स के साथ, क्योंकि मशीन से जो सामान बनता है आप खुद देखो, मशीन से एक चीज बनी है और एक हाथ से बनी है, किसकी क्वालिटी अच्छी होगी, मशीन मेड की, उसमें फिनिशिंग भी अच्छी थी और पर यूनिट कॉस्ट भी मशीन में बनाने की कम पड़ती है, तो मशीन से बना हुआ सामान सस्ता मिलता
मिलता था एज कम्पेयर टू हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि हाथ से बनाने में उसमें ज्यादा मेहनत लगती थी, तो उसमें ज्यादा पैसे भी होते थे, चार्ज करते थे वो। जिस वजह से क्या हुआ, जो मशीन से बनी हुई चीजें थी उसको लोगों ने खरीदना स्टार्ट कर दिया, बिना ये सोचे, बिना ये जाने कि इससे ब्रिटिशर्स को ही फायदा है। मतलब कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर हम अपनी कंट्री का सामान खरीदेंगे वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, बट हमने मशीन मेड गुड्स को प्रेफर किया ओवर हैंडीक्राफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, कि यहां से ना डिमांड का एक नया ही पैटर्न स्टार्ट हो गया, एक नया ही ट्रेंड स्टार्ट हो गया, कि लोग अपनी ट्रेडिशनल चीजों को भूलते गए, अपने हैंडीक्राफ्ट्स, अपने इंडियन गुड्स को भूल के वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने लगे। और आप देख सकते हो कि आज की डेट तक भी यही होता है, हम अपनी चीजें, अपने फेस्टिवल, अपना फूड, अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, और हम वेस्टर्न कल्चर, फॉरन का लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं चाहिए कि कुर्ता पजामा हमने पहनना है, साड़ियां होगी, हमें वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने हैं, हमें अपने देश का खाना खुना नहीं इतना अच्छा लगता जितना हमें फॉरेन के फूड अच्छे लगते हैं। तो कहीं ना कहीं न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड वहीं से ही स्टार्ट हो गया था, कि लोगों ने अपने हाथ से बनी हुई चीजें, अपने इंडियन गुड्स को छोड़ के फॉरेन के गुड्स को ज्यादा अच्छे से यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से भी क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट्स बिल्कुल ही खत्म हो गए। अब आज के डेट में मैं बात करूं तो हैंडीक्राफ्ट्स बिल्कुल मार्केट में मिलते ही नहीं। आप कहीं पे फेस्टिवल में गए हो, कहीं मेला लगा है, कहीं कोई तिब्बत मार्केट है, तब आपको शायद हैंडीक्राफ्ट्स दिख जाए थोड़ी बहुत जगह, पर वैसे कॉमनली वो सेल ही नहीं होते क्योंकि डिमांड ही खत्म हो चुकी है। लास्ट में हमारा पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, रेलवे इंट्रोड्यूस की, इंडिया में ट्रेन चलाई। अब ट्रेन चलाने से क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट्स के डिमांड पे कैसे फर्क पड़ा, देखो उन्होंने पहले क्या किया कि कुछ कुछ एरिया टारगेट करे जहां पे उन्होंने फॉरेन गुड्स बेच के देखे, तो वहां पे उन्होंने देखा कि यहां तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, लोग हमारे ही प्रोडक्ट ज्यादा खरीद रहे, हैंडीक्राफ्ट्स कम कम होते जा रहे। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम पूरे इंडिया को टारगेट करें, पूरे इंडिया में हम इन सामान को बेचे। तो उसके लिए इंडिया में कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो था नहीं पहले, कि कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करे, पोर्ट से सामान आ रहा है उसे पूरे इंडिया में ले जाने के लिए उन्होंने रेलवे स्टार्ट की। तो ट्रेन स्टार्ट होने से क्या हुआ, इजी हो गया उनके लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स इंडिया में आने लगे, पूरे इंडिया में सामान फैलने लगा और उन्होंने सप्लाई बढ़ा दी, जिससे क्या हुआ कि लोगों ने मशीन मेड गुड्स को ही परचेज करना स्टार्ट कर दिया, वो भूल गए कि हमें अपनी इंडियन कल्चर को, इंडियन चीजों को खरीदना चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो चीज इजिली अवेलेबल होती है उसको लोग ज्यादा खरीदते हैं, तो इस वजह से क्या हुआ, इजिली हर जगह पे फॉरेन गुड्स मिलने लग गए और लोगों ने उन्हें खरीदना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है कि फर्स्ट ट्रेन कहां से कहां तक चली थी और कौन से ईयर में चली थी। फर्स्ट ट्रेन बॉम्बई टू थाने चली थी, बॉम्बई मुंबई नाम है अब लेटेस्ट अगर बात करें तो, उसके बीच में पहली ट्रेन चली थी 1853 में ही ट्रेन स्टार्ट हो गई थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने अपने फॉरेन गुड्स की डिमांड इंडिया में बढ़ा दी और हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड इंडिया में भी और फॉरेन में भी कम कर दी। ठीक है, तो जिस वजह से डिके हो गया पूरा के पूरे हैंडीक्राफ्ट्स। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका टॉपिक आता है फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के अंडर कैसे फॉरेन ट्रेड हो रही थी। तो उसमें आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा कि वी आर द नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। फॉरेन ट्रेड आपको पता है, बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन टू और मोर कंट्रीज नोन एज फॉरेन ट्रेड। उस चैप्टर पे भी हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई है, आप आई बटन से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड क्या होती थी पता ही है सबको कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड के अंदर आता है। तो हम क्या कर रहे थे, अल्टीमेटली यहाँ से जो था रॉ मटेरियल हम बाहर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे और जो बाहर से आ रहा था वो क्या था, फिनिश गुड्स। अब इससे नुकसान ये था कि जो कंट्री रॉ मटेरियल ही अगर एक्सपोर्ट कर देगी तो वो खुद तो प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि उसने अपना जो रॉ मटेरियल था वही दूसरी कंट्री को दे दिया, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज थी बहुत लिमिटेड, इसलिए हमारे लिए वो रॉ मटेरियल यूजफुल नहीं था उस टाइम पे। बट फिर हम क्या करते थे, उसको तो एक्सपोर्ट कर दिया और वहाँ से फिर फिनिश गुड्स आए, वो तो हमें खरीदने ही पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल बचा ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम आई सबसे पहले कि हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे, फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे। सेकेंड आपका पॉइंट आता है कि मोनोपोली ट्रेड थी जो ब्रिटिशर के टाइम पे चल रही थी, वो एक मोनोपोली ट्रेड थी, यानी जो हमारी ट्रेड थी फॉरेन ट्रेड वो सिर्फ एक ही कंट्री पे डिपेंड कर रही थी जो कि ब्रिटेन। मोर देन 50% इंडिया जो थी वो ट्रेड किससे कर रही थी, ब्रिटेन से ही, वहीं से ही फिनिश गुड्स आ रहे थे, वहीं पे ही रॉ मटेरियल जा रहा था। ठीक है, थर्ड आपका पॉइंट आएगा सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिट्स फॉर ब्रिटिशर।
इंग्लैंड के लिए, ब्रिटेन के लिए ही ये बेनिफिट था कि हमारी ट्रेड सरप्लस को थी, यानी जितना हम इम्पोर्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे। बट एक्सपोर्ट हो क्या रहा था? रॉ मटेरियल, जिसकी वैल्यू कम थी कहीं ना कहीं। और रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना एक बहुत ही साइन ऑफ बैकवर्डनेस दिखाता है कि इस कंट्री के पास इतनी भी इंडस्ट्री नहीं है कि वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर सके फिनिश गुड्स में। अपने दो तीन चीज़ें याद रख लेनी है कि क्या क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे थे और क्या क्या इम्पोर्ट हो रहा था। एक्सपोर्ट में आप लिख सकते हैं कि एक्सपोर्ट हो रही थी इंडिगो, कॉटन, रॉ सिल्क, जूट, ये सब। और जो इम्पोर्ट कर रहे थे वो हम फिनिश गुड्स कर रहे थे, जैसे आप क्लोथ्स भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा भी आप मशीन मेड गुड्स कोई भी लिख सकते हो, वीट राइस तक हमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने पड़ रहे थे, बिकॉज यहाँ पे हमने पूरे साल जूट इंडिगो ग्रो करने में ही लगा दिया, कमर्शियल क्रॉप्स ही ग्रो करने में रह गए, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन भी इतनी फॉल कर गई थी, तो हमें वो भी वहाँ से इम्पोर्ट करने पड़ते थे। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल अंडर ब्रिटिश राज। अब इसमें ना 1-1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होता है। तो आपने सारे बस याद कर लेने एक एक डेफिनेशन, उससे ज़्यादा इस टॉपिक से कुछ नहीं आता, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो बर्थ रेट था और डेथ रेट था बहुत हाई था उस टाइम पे। बर्थ रेट इसलिए हाई था बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज इलिटरेट, पॉवर्टी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। और डेथ रेट क्यों हाई था? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल इन कंट्री, जिसकी वजह से डेथ रेट भी बहुत हाई था। बुक में डेटा गिवन है, आप वहां से भी इसको याद कर सकते हैं कि जो बर्थ रेट था वो अराउंड 48% था एंड जो डेथ रेट था वो 40% के अराउंड प्रिवेल कर रहा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकेंड आता है IMR, क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की वो बच्चे होते हैं जो एक साल से पहले ही डेथ हो जाती है जिन बच्चों की, ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल इन द कंट्री और लैक ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू। किसी भी रीजन से एक साल से पहले ही बच्चे की डेथ हो जाती है, वो सब किस में काउंट होते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये पर 1000 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। अब नेक्स्ट आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होता है कि कितनी हम उम्मीद रखते हैं कि कितने टाइम ऑन एन एवरेज एक पर्सन सर्वाइव करता है। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम थी, लोग 32 इयर्स में एवरेजली डेथ हो जाती थी लोगों की, मतलब 32 साल के बाद मर जाते थे लोग। आपको पता होगा कि उस टाइम पे मैरिज भी जल्दी होती थी, चाइल्ड मैरिज प्रिवेल करती थी, मतलब वही 30-40 साल की ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी। बट अगर आज की डेट की हम बात करें तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 69% के अराउंड प्रिवेल कर रही है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसलिए कम थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल इन द कंट्री, ठीक है। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम थी अगर हम आज से कंपेयर करें तो। लास्ट आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट वो होता है लिटरेट पर्सन कितने हैं हमारी पॉपुलेशन में। लिटरेट पर्सन मतलब पढ़े लिखे, और किसको हम पढ़ा लिखा बोलते हैं? एक ऐसा पर्सन जो कि 7 ईयर से अबव हो और वो कोई भी लैंग्वेज को लिख सकता हो और बोल सकता हो तो वो लिटरेट काउंट होता है, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, कोई भी लोकल लैंग्वेज हो, बट वो उसे पढ़ सके, समझ सके और लिख सके, उसे पढ़ना लिखना आता हो, 7 साल से बड़ा हो, तो उसको लिटरेट मानते हैं। बट उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इलिटरेट थी, ओनली 16% हमारी लिटरेसी रेशियो थी। तो आप इमेजिन करो, सिर्फ 16% लोग ही, मतलब आउट ऑफ 100 सिर्फ 16% ऐसे थे जो पढ़ते थे, और जिसमें से भी सिर्फ 7% के अराउंड फीमेल की लिटरेसी रेट थी। आपको पता होगा कि फीमेल एजुकेशन स्टिल एक चैलेंज है इंडिया के लिए, तो फीमेल एजुकेशन भी बहुत ही कम थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन और आपका आता है, व्हाट इज ईयर ऑफ डिवाइड। 1921 को हम ना ईयर ऑफ डिवाइड बोलते हैं, यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यानी कि क्या हुआ था, 1921 से पहले इंडिया की जो पॉपुलेशन थी कभी इंक्रीज हो रही थी, कभी डिक्रीज हो रही थी, कोई एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं फॉलो कर रही थी। बट 1921 को एक ईयर ऑफ डिवाइड बोला जाता है क्योंकि 1921 के बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि कॉन्टिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज करती रही, मतलब उससे पहले कभी इंक्रीज हो रही है एक सेंसस में, कभी डिक्रीज, फ्लक्चुएशंस आ रही थी। बट 1921 से आज 2020 आ गया, बट पॉपुलेशन इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग एट द रैपिड रेट। तो 1921 इज एन ईयर ऑफ डिवाइड, इसको भी पेपर में आ जाता है कौन से ईयर को ईयर ऑफ डिवाइड मानते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सिंपल ये होता है कि पॉपुलेशन के साइज में कितना चेंज आया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो 1921 के बाद कॉन्टिन्यूसली रैपिड इंक्रीज ही शो करा है आज तक, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है MCQ फॉर्म। एक छोटी सी टर्म और आती है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑक्यूपेशनल
स्ट्रक्चर होता है कि जो भी आपकी पॉपुलेशन है वो किस किस ऑक्यूपेशन में वर्क कर रही है, यानी किस सेक्टर में वर्क कर रही है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीन सेक्टर है, तो कितने नंबर ऑफ पीपल प्राइमरी सेक्टर में लगे, कितने सेकेंडरी में, कितने टर्शरी में। आप अगर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में आपने याद रखना है डाटा के अकॉर्डिंग कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में कितनी कितनी पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी। प्राइमरी सेक्टर में मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, अराउंड 60-70% लोग प्राइमरी सेक्टर में जॉब करते थे, सेकेंडरी में थोड़े कम और टर्शरी में बिल्कुल ही कम, ठीक है। लेस देन 10% टर्शरी सेक्टर में थे। आप रफ फिगर याद कर सकते हो, ठीक है, बाकी ये पेपर में आती नहीं है, आप फॉर एग्जाम्पल में लिख सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अराउंड 72% पॉपुलेशन वर्क कर रही थी, 9% सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में तो बहुत वेरी लेस पॉपुलेशन वर्क कर रही थी, ठीक है। तो इस वजह से जो इंडिया की ग्रोथ थी वो एक अनबैलेंस ग्रोथ थी। अनबैलेंस ग्रोथ वो होती है जब हमारे इक्वली ग्रो नहीं करते तीनों सेक्टर, यानी एक सेक्टर तो ग्रो कर रहा है, दूसरा नहीं उस स्पीड से ग्रो कर रहा। अब जैसे आप देख सकते हो प्राइमरी सेक्टर में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, सेकेंडरी में और कम, टर्शरी में सबसे कम, तो दिस इज अनबैलेंस ग्रोथ, यानी कि हमारे जो तीनों सेक्टर है वो इक्वली ग्रो नहीं कर रहे, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी जो ग्रोथ थी वो कैसी थी, अनबैलेंस ग्रोथ थी। ये भी 1 मार्क्स में डेफिनेशन आ जाती है, ये सारा 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट था, बस डेफिनेशन याद कर सकते हो इनमें सिंपल, और थोड़ा थोड़ा डेटा अगर आप याद हो जाए तो उतना याद करके आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। आपका टॉपिक आता है इज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश। हमें पता है कि ब्रिटिशर ने आए इंडिया को लूट लिया, इंडिया को बर्बाद कर दिया, इंडिया का सोने की चिड़िया थी इंडिया वो सोना ले गए, हमें बहुत सारे उसके नेगेटिव पॉइंट्स तो पता है, पर कभी आपने सोचा है कि किस कुछ पॉजिटिव भी हुआ इसका, क्योंकि हर चीज़ का कुछ पॉजिटिव भी होता है कुछ नेगेटिव भी होता है, चाहे कोई बुरी से बुरी चीज़ हो लाइफ में बट उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी तो होता है ना हमारी लाइफ में। तो सेम ब्रिटिशर आए, उन्होंने इंडिया में वो करा, इंडिया को गुलाम बनाया, बट स्टिल उसका भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट था। क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट था वही हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कमर्शियल आउटलुक इन फार्मिंग। मैंने बताया कि जो फार्मर्स थे इंडिया में वो क्या करते थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग फॉलो करते थे, यानी उन्होंने क्रॉप्स उगाई सेल्फ कंज्यूम के लिए यूज़ करी, ठीक है, मतलब वो क्रॉप्स उगाते थे खुद और फैमिली कंजप्शन के लिए उसे यूज़ करते थे। बट ब्रिटिशर ने ये सिखाया कि तुम इसको कमर्शियलाइज बनाओ, तुम इसको बना के मार्केट में सेल करो, प्रॉफिट अर्न करो, इसको एज अ बिजनेस यूज़ करके चलो एग्रीकल्चर को। तो उन्होंने एक कमर्शियल आउटलुक दी हमारे फार्मर को, उन्होंने बताया कि तुम इस क्रॉप को मार्केट में सेल करके पैसे भी कर सकते हो। वो क्या करते थे, बस इसको एज अ खाने के लिए यूज करते थे कि उगाया और सेल्फ कंज्यूम कर लिया, उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हम इसे बेच के पैसे भी कमा सकते हैं। तो एक कमर्शियल आउटलुक दिया एग्रीकल्चर सेक्टर को। आता है न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा जनरेट हुई थी उस टाइम से ही, हमें पता चला कि ये पोस्ट होती है, इस इसके लिए एम्प्लॉयज रखे जाते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई थी इकॉनमी में। कंट्रोल ओवर फेमाइन। फेमाइन क्या होता था कि भूख से मर जाते थे लोग, क्योंकि इंडिया में इतने फूड क्रॉप्स नहीं होती थी कि वो सारी पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए सफिशिएंट हो। बट आज की डेट में फेमाइन वर्ड का मीनिंग भी बच्चों को नहीं पता, क्योंकि ये बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है, कोई भी ऐसा नहीं है जो भूखा मर जाता हो। क्योंकि फेमाइन में क्या होता था, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डाई बिफोर बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड, बट अब इतना इंडिया के पास सेल्फ सफिशिएंट है कि वो पूरी पॉपुलेशन के लिए एग्रीकल्चर से उनको सेल्फ सफिशिएंट फूड प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। तो फेमाइन भी कंट्रोल किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि हम बफर स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, हम इंपोर्ट कर सकते हैं अगर हमें शॉर्टेज आती है। तो बाकी बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से फेमाइन पे कंट्रोल किया गया। ट्रेड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। आपको पता है कि बार्टर सिस्टम था पहले प्रिवेल करता था, आपने मैक्रो में पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पता तो उसके भी मनी वाली वीडियो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख सकते हैं। आप सोचते होंगे प्रमोट करते रहते हैं अपनी वीडियो को, बट क्या करो यार, मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे, तो आई नीड योर सपोर्ट। तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो एनीवेज मनी वाले चैप्टर में आप बार्टर सिस्टम पढ़ सकते हो कि उसमें क्या होता था, गुड्स को ही गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है। बट ब्रिटिशर ने आके हमें बताया कि हम इसे मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बना सकते हैं। उन्होंने इंट्रोड्यूस करी मनी, करेंसी, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, ये सब उनकी ही इंट्रोडक्शन थी जिससे आज की डेट तक भी हम मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं। सारे लोग अब पैसे 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 के पीछे भागते हैं ना, तो ये चीज स्टार्ट कहां से हुई, मनी की इंट्रोडक्शन कहां से हुई, ब्रिटिशर्स ने आके ये सारा ट्रेंड स्टार्ट किया था, ठीक है। द एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन होता है कंट्रोल करना। आपने देखा होगा ब्रिटिश के रूल्स रेगुलेशन इतने इफेक्टिव होते थे कि वो ज़बरदस्ती लोगों को स्ट्रिक्टनेस क्रिएट करके रूल्स को फॉलो कराया जाता था। बट इंडिया में एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आज की डेट तक भी नहीं है। रूल्स रेगुलेशन को तो लोग ऐसे मजाक बना के तोड़ते हैं ना इंडिया में, तो ये चीज़ हमें ब्रिटिशर से सीखनी चाहिए कि कैसे रूल्स को फॉलो कराना है। आप अभी भी देखते हो कि फॉरेन कंट्रीज़ में कैसे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, किसी ने चोरी करी तो उसके हाथ काट दिए, किसी ने कुछ और
काम करा तो उसका गला काट दिया, फांसी लगा दी। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन है कि लोग कुछ करने से पहले 100 बार सोचते हैं, बट यहाँ पे रूल्स बनते ही इसलिए तोड़ने के लिए थोड़ी सी वीकनेस है। हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं है, बट ब्रिटिश से हमने जितना भी सीखा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वो भी हमने ब्रिटिशर से सीखा था, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा था ब्रिटिश का इंडिया में। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है एक इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, ये भी आप लिख सकते हो इसमें, क्योंकि रेलवे इंट्रोड्यूस इंडिया में अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं करती तो पता नहीं कितने सालों बाद जाके इंडिया में रेलवे आती। उन्होंने करी तो अपने फायदे के लिए थी रेलवे को इंट्रोड्यूस, बट उसका अल्टीमेटली यूज़ तो इंडियन में पॉपुलेशन ने भी किया, तो वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे जो कि 1850 में। मुझे आपसे एक थोड़ी सी हेल्प चाहिए कि मुझे आपसे एक फीडबैक लेना है कि जैसे मैं अभी स्टार्ट किया मैंने वीडियोस को फेस के साथ बनाना, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर आपको किस तरीके से समझ आ रहा है, अगर मैं फेस के साथ पढ़ा रहा हूँ वो ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है, या अगर मैं जैसे व्हाइट बोर्ड पर पहले पढ़ाता था वो जैसा आपको ठीक लगेगा वैसे ही मैं करूँगा। तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ 3-4 दिनों से, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं ऐसे बनाऊँ या व्हाइट बोर्ड पर बनाऊँ। तो मैं वीडियो बना तो आपके लिए रहा हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो अगर आपको जैसे समझ आ रहा है आप मुझे कमेंट करके बताएं, फिर मैं आगे की वीडियो आपके लिए वैसे ही बनाऊँगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नहीं भी हुआ होगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता।